भारत के कट्टर विरोधी माने जाने वाले मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने कहा है कि अगर भारत ने हिंद महासागर द्वीप समूह से अपनी सेना नहीं हटाई तो उनके देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। चीन की तरफ ज्यादा झुकाव रखने वाले मोइज्जू ने कहा कि मालदीव में अगर भारतीय सेना बरकरार रहती है तो इसका मतलब मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अवहेलना करना होगा। एक खास इंटरव्यू में मोइज्जू ने कहा, भारत द्वारा हिंद महासागर द्वीप समूह से अपनी सेना नहीं हटाने का मतलब मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अवहेलना करना है और इससे हमारे देश में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही मोइज्जू ने विश्वास जताया कि आपसी बातचीत के जरिए मालदीव और भारत सैन्य उपस्थिति का मुद्दा सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि मालदीव में संसदीय मंजूरी के बिना विदेशी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हम किसी भी देश के विरोधी या फिर किसी देश के समर्थक नहीं हैं। मेरी सरकार मालदीव समर्थक नीति अपनाएगी। मालदीव समर्थक नीति का मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत मालदीव के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। वहीं जब उनसे चीन के प्रति उनके कथित झुकाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो केवल मालदीव समर्थक नीति का पालन करने जा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की यात्रा से पहले मोइज्जू चीन की यात्रा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव में फिलहाल 77 भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसमें से 24 हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए, 25 कॉर्डिनियर विमान का प्रबंधन करने के लिए और 26 दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने के लिए तैनात हैं। इसके अलावा 2 और भारतीय सैनिक रखरखाव एवं इंजीनियरिंग के लिए हैं। सितंबर में चुनाव जीतने के बाद मोइज्जू ने सभी भारतीयों को वापस भेजने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारतीय सैनिकों की जगह मालदीव में चीनी सैनिक नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।